तो गाइस मैं ना एक बहुत बड़ा काम करने वाली हूँ। मैं जो है मैकबुक ऑर्डर करने वाली हूँ और ये सरप्राइज रहेगा सुमित के लिए। ये हो गया। तो गाइस फाइनली ऑर्डर हो गया है, मैंने कर दिया है, मतलब अब देखते हैं उसका रिएक्शन जिस दिन आएगा। अभी जैसे ही शिखा आएगी तो उसने बोला है कि है ना रात को आके हम दोनों बैठ के जोड़ेंगे, बट अभी ये काइंड ऑफ उसके लिए सरप्राइज है, होपफुली तब तक हो जाइए। सारा अंजर पिंजर निकाला है, तो अभी यहाँ पे जो गद्दा था वो मूव कर दिया मैंने, तो अभी बस ये बचा है, अब ये जोड़ना है बेड सारा। अब गाइस इनका तो है ना यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1.5 घंटे में सारा असेंबल हो जाएगा, पर मुझे लग नहीं रहा इतना 1.5 घंटे में होगा, क्योंकि जब हमने पहले भी है ना चीज़ें DIY की थी तो उसमें भी ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि आप पहले देखते हो, बुक पढ़ते हो, सारा कुछ करते हो। तो लेट्स सी आज कितना टाइम लगता है। और ये इसके साथ टूल किट आई है, कितनी क्यूट है ना, मतलब इसमें सारा कुछ दे रखे इन्होंने, पाना पुना ये चाबी वगैरह, और ये इस पर नंबरिंग भी हो रखी है कि है ना कौन सा कितने नंबर का कितने पीस है। तो अभी हमारा थोड़ा सा ही हो पाया, आई थिंक 40% हो चुका है, मतलब उसका जो निचला फ्रेम है वो बन गया। सो गाइस अभी कुछ तो लफड़ा हुआ है, क्योंकि है ना यहाँ पे ये गैप, ये पूरी उंगली जा रही है, तो है ना ऐसे उधर भी पूरा आप देखा होगा वो पूरा गैप आया हुआ है। आई थिंक शायद ये व्लॉग भी है ना किसी को हेल्प करेगा, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो ऐसे है ना DIY करते हैं घर पे और कहीं ना कहीं डाउट रहता है, अब जैसे हमें भी डाउट आया है मतलब। सो गाइस शिखा आ गई है, हमने जो उसे सरप्राइज देना था हम नहीं दे पाएंगे। और कौन सा सरप्राइज? आओ। तो गाइस जैसे ही हमें तो पता है सबको कि हमारा बेड नहीं जुड़ पाया, क्योंकि उसमें कुछ इशू चल रहा है अभी। अब क्या हो गया? इसका चेहरा देखो यार, इतनी मेहनत से बेड आया है, मतलब ना नहीं हो जाएगा, हो जाएगा आई थिंक कुछ तो। बस देखो मेरी बुक के हिसाब से मैंने बिल्कुल सही किया, मतलब बुक के हिसाब से मैं गलत नहीं चल रहा, बट आई डोंट नो कुछ तो इसमें है, बट हो जाएगा आई थिंक, भगवान करे हो जाए, क्योंकि वापस तो मतलब। हाँ यार मतलब इतनी हैवी चीज है और वापस भेजना, इट्स लाइक क्या मतलब, इसको मंगाने में इतना स्ट्रगल हो गया है ना। हाँ मतलब बट एक महीना लग गया हमको ये बेड घर पहुंचाने में। अमेज़न टेढ़ा हो रखा है ये। हाँ टेढ़ा हो रखा है। नहीं मैं क्या कह रही हूँ कि आज ना खाना ऑर्डर कर लेते हैं और ना मिलके बेड जो हमने सोचा हुआ था कि खाना नहीं ऑर्डर करेंगे, और कोशिश है आज भी नहीं करना। एमरजेंसी आ गई ना, ये कोई एमरजेंसी नहीं है, एक आधे घंटे का काम है, मैं अकेला लगा हुआ था कब से, सबको पता है ये कारनामे है, ये अकेले का ही रिजल्ट है। ये नहीं देखना कि सरप्राइज देने का सोचा था, ये नहीं देखना कि सरप्राइज देने का सोचा, मतलब गदर किस चीज का कि वो ये, और यहाँ पे सिर्फ पानी का पानी उबल रहा है। हाँ चाय भी बना रहा था तेरे लिए। वाओ कितना अच्छा है। गाइस ये सोच रही है पूरा, अच्छे से इसका दिमाग चल रहा है, कुछ ज्यादा ही कंफ्यूजन नहीं है। हाँ अब तुझे कंफ्यूजन लग रहा है, मैं कब से लगा हुआ हूँ ये, मैं भी तो आते ही लग गई ना। शिखा भी जीत गई, हमने अपना खाना ऑर्डर कर लिया और वो रहे भैया खाने वाले। ओह ई साइकिल पे आए हैं, क्या पढ़ रहे हो? तो गाइस भैया पढ़ भी रहे हैं साथ में। थैंक यू भैया। खाना आ गया। सो गाइस फाइनली बेड हो चुका है तैयार, मतलब मेरा वेट से है ये तो सही है, पर इसके जैसे ज्यादा बंदे नहीं आ सकते हैं, ठीक है? कितने मतलब 250, मतलब एक बंदे ने दो बंदों की जगह ले ली है। हाँ मतलब 250-260 किलो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। तो गाइस आपने देखा होगा कि हमारा बेड तो आ गया कल, और अब बारी है जो मैंने सरप्राइज आपको बताया था, तो वो आ चुका है स्टोर में, आज हम पिकअप करने जाएंगे। बेड के लिए तो समझते मुझे सरप्राइज देने की कोशिश की थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो सफल नहीं रहा, क्योंकि उसको हमें असेंबल करने में बहुत टाइम लग गया।
तो आज लैपटॉप को देखते हैं, आई होप आज मेरा लैपटॉप वाला सरप्राइज काम कर जाए। तो मैंने उसको बुला लिया है आज मॉल में बोल के कि हाँ मुझे अपनी को शॉपिंग करनी है। अब देखते हैं क्या रिएक्शन रहता है। एंड यू नो अभी ही हैज़ एक्चुअली नो क्ल्यू कि मैंने लैपटॉप ऑर्डर कर दिया है, तो उसको शॉक लगेगा या सरप्राइज होगा मुझे तो ना ये भी डाउट है। और वो आ रहा है हमारा नौजवान। अब कौन से शॉपिंग करनी है यार तूने? ये कितना डॉलर उड़ाएगी तू? क्या लेना है आज वैसे हमने? अब मैं लिस्ट बना के नहीं चलती, मेरे जो मन में आता है मैं वो खरीद लेती हूँ। बहुत सारी जरूरतें होती हैं। जो मुझे लग रहा है कि जरूरतें हमने शायद पिछले हफ्ते पूरी कर ली थी। नहीं जरूरत आ गई। नहीं आ गई? चलो भाई, मतलब मेरी जरूरतें कोई नहीं है, मतलब मैं बेचारे ने एक भी कपड़ा नहीं लिया। गाइस ये है तो है, कपड़ा नया है, इंडिया का है। तो इंडिया का नया है? 8 महीने पुराना है। तो 8 महीने पहले नया था। चल आ जा मॉल जल्दी बंद हो जाता है। बोल कहाँ चले पहले? कहाँ जाना पहले? फॉरएवर 21 भी है, वहाँ भी सेल लगी हुई है। नहीं वहाँ नहीं जाना, मैंने डिसाइड कर लिया कहाँ जाना है। फिर वहाँ जहाँ मेरा इशारा। यार बहुत आज आ चुके, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो इंटरनेट पे इतनी बार देखता रहता हूँ पर अभी नहीं जा रहे यार। नहीं मतलब अब जब लेंगे ना तभी जाएंगे, अभी ऐसे हम जा रहे हैं। तो कितनी बार वैंकूवर में भी हमने पूछा, गिलफर्ड में पूछा, मेट्रो टाउन में पूछा, पूछ के आ जाते हैं। मतलब अब जब लेंगे तभी जाएंगे। आज हम पूछेंगे नहीं, कह दिया सो कह दिया। Oh wow, you wanna bite? Oh yes, let's bite. तो थोड़ा रिसर्च और कर लेते हैं। सब रिसर्च भी हो गई है। I know, मैंने पहले की थी बट थोड़ा सा और कर लेते हैं। वो काफी थी, बाकी की मैंने कर ली। और अच्छा क्या किया तूने? पैसे भी उड़ा दिए। क्या? ठीक है। और रिपीट और पैसे भी उड़ा दिए। मतलब उड़ा दिए। समझ आ रहा है, व्लॉग हटा, मुझे ये बता कि हुआ क्या, क्या किया? अब इसके होश उड़ने वाले हैं। क्या किया तूने वैसे? मैंने बोला था कि तुझे शॉक लगेगा या मतलब क्या बोलते हैं, सरप्राइज होगा। अभी मुझे नहीं पता अब तुझे क्या लगने वाला है। मैं अभी सोच ही नहीं पा रहा कि हुआ क्या है, क्या कह रही है। अभी मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैंने कहा समोसों के लिए मजाक किया था ना इसके, तो मुझे भी लग रहा है कि मजाक कर रही है। छोटे मोटे मजाक नहीं करते। समोसे का भी मजाक ना इसके लिए बहुत बड़ा हो जाता है। चल यार कपड़े की शॉपिंग करते हैं, खत्म करते हैं। सच्ची बताओ सच्ची ले लिया? मुझे अभी भी लग नहीं रहा यार ये मतलब मजाक कर रही है। चलो मैं इसको जरा बाद में पता चला सब एडिट करवा रही है, कट करवा रही है। मैं इसका वास्तविकता से इसको मिलवा कर लाती हूँ, ठीक है? चलो आईडी निकाल ले अपना। चलो लेट्स सी, पता चला मजाक ही कर रही है अंदर जाके। अभी कितना खुश हो रहा है, इसने तो सच्ची में सरप्राइज दे दिया। तूने कब कर दिया ये? See, I'm very talented. दिखा तो दे यार। Thank you. अभी है ना किसी ने congrats भी बोला। See, दिख नहीं रहा भाई साहब, दिख नहीं रहा है। Yeah. चलो अब मैं चला, अब किसी की कोई कपड़ों की शॉपिंग नहीं होगी। आहा हा हा। वैसे करनी थी सच्ची में? No.
बस इसी के लिए बुद्धू बनाया गाइस, मतलब मुझे लग नहीं रहा था, पर टूटना नहीं चाहिए कोई ना, बारा ना सरप्राइज। ये आई थिंक दो हफ्तों तक हम रिटर्न कर सकते हैं, पर ठीक है नहीं कर रहे, बट थैंक यू सो मच। बदले में दिला दिए थे मैंने कपड़े, अकेला लैपटॉप मैं अकेला थोड़ी यूज करने वाला हूँ, मतलब ये भी तो यूज करेगी ना। सरप्राइज तो एक्चुअली मैं बताती हूँ, मैंने वो तो इसको सरप्राइज बोल के बनाया है, ठीक है, ये लैपटॉप तो मेरा है, सिर्फ नाम इसका है। हाँ जी, खुश तो बहुत हो गया आज। बीवी ने इतना अच्छा गिफ्ट दिया है तो खुश तो होना ही बनता है ना। बीवी अच्छी है, पति भी अच्छे है, पति ने ये बेड सरप्राइज मतलब सरप्राइज नहीं, मतलब मैंने ना सेट किया था उस हिसाब से कल कि हाँ ऐसे सरप्राइज जैसा फील है, बट ऐसा हुआ नहीं। तो चलो अब हम अपने सरप्राइजेस एंजॉय करते हैं, आप अपने सरप्राइजेस एंजॉय करो और इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो हम अलग से बनाएंगे, बिकॉज एक कस्टमाइज्ड ऑर्डर किया था मैंने, जो हमने इतना रिसर्च के बाद जो फाइनली कॉन्फ़िगरेशन फाइनल की थी कि ये लेना है, तो उसी के हिसाब से मैंने ऑर्डर किया था। आई होप मैंने ठीक ठीक किया हो। तो चलो yes, इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो हम बाद में डालते हैं। और yes. क्यों ये ऑर्डर किया इसने कस्टमाइज इतना, तो वो भी हम बताएंगे कि एयर ही क्यों लिया, प्रो क्यों नहीं लिया, और उल्टा ये शायद प्रो से कॉस्टली पड़ा इसे, तो वो भी हम बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शब खैर।